टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं? कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें कि रेस्पिरेटरी पाथवे जैसे कि ट्रैकिया, फेरिंग्स, ये ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू द ओवर सिक्रेशन ऑफ कफ। और जो कफ है ये क्यों होता है? क्योंकि कई बार जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में या कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर जाता है तो उस केस में ओवर सिक्रेशन होता है, तो हमें एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। जो म्यूकस होता है, जो कफ होता है, वो इतना ज़्यादा थिक होता है क्योंकि तो हमें उसको लिक्विफाई करने के लिए एक्सपेक्टोरेंट्स को एडमिनिस्टर करना पड़ता है। बेसिकली जो कफ होता है वो एक प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स होता है हमारी बॉडी का। और जो कफ होता है वो बेसिकली और टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ ड्राई कफ, जो कि जिसमें कि स्पूटम डिस्चार्ज नहीं होता, और सेकेंड इज़ वेट कफ और वी आल्सो नोन एज प्रोडक्टिव कफ। क्या होता है उसमें कि स्पूटम का डिस्चार्ज होता है। और जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। और जो हमारे जो ट्रैकिया में सिलियरी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया होते हैं, वो अपवर्ड मूवमेंट करते हैं ताकि जो जो भी कुछ अगर फॉरेन पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सीलिया की, जिससे कि जो फॉरेन पार्टिकल है वो बाहर निकल सके। तो ऐसे ही नोज नोज में भी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ही ट्रैकिया में होते हैं जिसे हम सिलियरी बॉडीज़ कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं जो कफ होता है उसको आउटवर्ड ले जाने में, या हम कह सकते हैं ट्रैकिया से फेरिंग्स की तरफ ले जाने में। तो यहाँ पे देयर इज़ अ रिटन हेयर दैट द कफ इज़ अ प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स। कफ इज़ प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स टू क्लियर द एयर वे। क्या होता है कि वो हमारी बॉडी का ही एक एक फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स है ताकि जो रेस्पिरेटरी पाथवे उसको क्लियर कर सकें। सेकेंड है ये कैसे होता है। कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन या केमिकल इरिटेंट्स, रिटेन्ड बॉडी केमिकल्स की वजह से या फॉरेन बॉडीज़ की वजह से जो सिक्रेशन होता है वो वहीं की वहीं जो है जमा हो जाता है, और वो इतना ज़्यादा थिक हो जाता है कि वो आगे पास आउट ही नहीं होता। और प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन बॉडीज ब्लॉक एयर वे, जो इसकी फॉरेन की बॉडीज़ की वजह से जो पाथवे वो ब्लॉक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि ब्लॉक होने के बाद जो रेस्पिरेटरी हमारा ट्रैक होता है उसमें नर्व्स होती हैं, नर्व्स जो होती हैं वो जब ब्लॉक हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, और वो स्टिमुलेट हो जाती है तो फिर कफिंग हमें होती है, जो कफिंग होती है ताकि जो स्पूटम है वो डिस्चार्ज हो सके। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि कफ आर ऑफ टू टाइप, इरिटेंट ड्राई कफ एंड प्रोडक्टिव कफ। एज आई टोल्ड यू दैट द इरिटेंट ड्राई कफ इज़ हैविंग नो नो स्पूटम। देर इज रिटन देयर दैट इन इरिटेंट ड्राई कफ देर इज नो स्पूटम और डिस्चार्ज। इट प्रोड्यूस्ड बाई कोल्ड और इनहेलेशन ऑफ इरिटेंट डस्ट और गैसेस। एंड सेकेंड इज प्रोडक्टिव कफ इन विच स्पूटम और एक्सुडेट प्रोड्यूसिंग कफ एंड एसोसिएट विद द अस्थमा। दोज पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम द अस्थमा दे हैव द प्रोडक्टिव कफ विच इज़ नोन एज वेट कफ। आफ्टर दैट इट इज़ रिटन ओवर देयर दैट एक्सपेक्टोरेंट्स आर द एजेंट विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सिक्रीशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फैसिलेट देयर रिमूवल बाय सिलियरी मोशन। सिलियरी मोशन मतलब कि जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ट्रैकिया में वो अपवर्ड मूवमेंट करते हैं ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फॉरन पार्टिकल्स हैं वो हमारे डिस्चार्ज हो सकें। आगे लिखा है कफिंग टू मूव द लूजन मटेरियल टूवर्ड द फेरिंग्स। अब ट्रैकिया से ऊपर जाएंगे तो फेरिंग्स मिलेगा। सबसे पहले अगर हम नोज से बात करें तो नोज, नेजल कैविटी, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स और लैरिंगो फेरिंग्स। तो जो हमारे ट्रैकिया से फेरिंग्स की तरफ, ट्रैकिया से फेरिंग्स की तरफ जो है उस मटेरियल का आगे मूव हो सके, और फिर वहाँ से वो हम बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। आफ्टर दैट एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूजफुल इन द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हियर इट इज रिटन दैट एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूजफुल इन द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इन विच सिक्रीशन आर थिक। सो जो जो सिक्रीशन होती है वो इतनी थिक होती है कि वो आगे पास आउट नहीं होती, इसलिए हम एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज़ करते हैं, जो कि उस थिक प्रिपरेशन को, उस थिक जो है म्यूकस जो है उसको लिक्विफाई कर सकें, विस्कस रिक्वायरिंग लिक्विफिकेशन। एक्सपेक्टोरेंट्स कैन स्टिमुलेट द आउटपुट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो वट वी स्टडी, वी हैव स्टडी अबाउट देयर आर टू टाइप ऑफ कफ, एट एंड ड्राई कफ एंड प्रोडक्टिव कफ। कफ इज़ अ प्रोडक्टिव फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स एंड एक्सपेक्टेंट्स आर द एजेंट्स विच इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ सिलियरी मोशंस
बाई विच द लूजन मटेरियल टूवर्ड द फेरिंग्स मूव टूवर्ड द फेरिंग्स इजली. एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूजफुल इन द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. दिस इज वॉट वी स्टडीड इन एक्सपेक्टोरेंट्स. नाउ वी हैव द टू ऑफिशियल कंपाउंड्स विच इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड पोटेशियम आयोडाइड. सो दिस इज द टू ऑफिशियल कंपाउंड्स विच हैव टू स्टडी विच वी हैव टू स्टडी टूडे. सो इन अमोनियम क्लोराइड विच हैविंग द फॉर्मूला NH4Cl. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट इट्स प्रिपरेशन. सो हाउ कैन वी प्रिपेयर इट? इट कैन बी प्रिपेयर बाई बॉइलिंग अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट, दिस इज अमोनियम सल्फेट NH4 का होल टू SO4 विद द सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड, दिस इज अ सोडियम क्लोराइड एंड वट वी गेट? वी गेट द अमोनियम क्लोराइड. दिस इज अमोनियम क्लोराइड. सो बाई अमोनियम सल्फेट विद द सोडियम क्लोराइड वी गेट द अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट. दिस इज सोडियम सल्फेट. सो दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज फर्स्ट प्रिपरेशन टू प्रिपेयर द अमोनियम क्लोराइड. एंड द सेकेंड वन इज बाई न्यूट्रलाइजिंग द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द अमोनिया. दिस इज अमोनिया एंड दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज यू ऑल नो HCl एंड वी गेट द अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. सो दिस इज द टू प्रिपरेशंस ऑफ प्रिपेयरिंग द अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बाई बॉइलिंग अमोनियम सल्फेट विद द सोडियम क्लोराइड एंड सेकेंड इज बाई न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द अमोनिया. सो दिस इज द टू प्रिपरेशंस. नाउ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल एंड ग्लिसरीन. इनसोल्यूबल इन एसीटोन ईथर एंड इथाइल एसिटेट. इट इज एक्वस सोल्यूशन आर एसिड टू लिटमस मीन्स दे हैड द एसिडिक नेचर. इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि अगर हम इसे एयर की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेगा. सो इट इज़ रिटन हेयर दैट इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर देयर फॉर स्टोरी एयर टाइट कंटेनमेंट. अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइग्रोस्कोपिक है जो कि एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेगा तो हम उसे हमेशा ही एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं. ये इसकी स्टोरेज कंडीशन. इट शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर एंड इट इज़ यूज. सो हम इसको एक्सपेक्टोरेंट्स में पढ़ रहे हैं तो इसका बेसिक यूज तो ये हो गया कि इट इज़ यूज एज एक्सपेक्टोरेंट. इट इज़ फाउंड इन कफ प्रिपरेशन. इट्स एक्सपेक्टोरेंट एक्शन ड्यू टू द अमोनियम सॉल्ट बिकॉज अमोनियम सल्फेट इज हैविंग द अमोनियम सॉल्ट हैविंग लोकल इरिटेशन ऑन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ म्यूकस. इफ अ ड्रग हैविंग द इरिटेशन ऑन द और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इट विल इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ म्यूकस. दिस इज अ important point. It is also used as a diuretic. And systemic acidifying agent. Acidifying agents means it will acidify the solution. Here it is written that it maintains the urine at acidic pH in the treatment of urinary tract infection UTI and metabolic alkalosis. Alkalosis means alkaline pH and acidosis means acidic pH. Because it's having the acidic pH, that's why it is used in metabolic alkalosis, means to treat the alkaline. We have to maintain the UTI at acidic pH. It is written here to maintain the urine at acidic pH in the treatment of UTI. So next is assay of ammonium chloride. This essay we have to study in separate class, so just skip this, and this we have to study in the practical classes, so we discuss it there. Now we have to study about the potassium iodide. First we study about the its preparation. How can we prepare the potassium iodide? So the preparation is by treating the ferrous iodide. This is a ferrous iodide FeI2 with the potassium carbonate. This is potassium carbonate K2CO3 and what we get the potassium iodide and ferric carbonate. Yes, so this is the preparation. The second preparation is by treating hypoiodous acid. Hypoiodous means HI with the potassium bicarbonate. For the potassium there is a K and bicarbonate having HCO3. So this is potassium carbonate is treated with the hypoiodous acid and we get the potassium iodide.
सो दिस इज़ द टू मेथड्स बाय ट्रीटिंग द फेरस आयोडाइड विद द पोटेशियम कार्बोनेट एंड सेकेंड इज बाई ट्रीटिंग हाइपोआयोडाइड एसिड विद द पोटेशियम बाई कार्बोनेट. सो दिस इज द टू मेथड्स बाई फर्स्ट इज बाई ट्रीटिंग फेरस आयोडाइड एफ ई आई टू विद के टू सी ओ थ्री एंड द सेकेंड इज हाइपोआयोडाइड एच आई विद द के एच सी ओ थ्री विच इज पोटेशियम बाई कार्बोनेट एंड वी गेट द पोटेशियम आयोडाइड. सो वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. सो इट इज यू इट इज़ कलरलेस ऑडरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स मीन्स द क्रिस्टल्स आर ट्रांसपेरेंट. अगर कहीं ट्रांसपेरेंट लिखा है तो इसका मतलब वो वाइट है. अगर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल अगर पाउडर की फॉर्म में देखा जाए तो पाउडर जो होगा वो वाइट होगा. ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स एंड अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर स्लाइटली हाइग्रोस्कोपी. ये भी हाइग्रोस्कोपिक है मतलब ये भी एब्जॉर्व करेगा मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. दैट्स वाई वी हैव टू स्टोर इट इन एयर टाइट कंटेनर. ये तो स्टोरेज कंडीशन होगी इसकी. देन सोल्यूबिलिटी इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल एंड ग्लिसरॉल. दिस इज द स्टोरेज दिस इज द सोल्यूबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. देन ऑन एक्सपोजर टू एयर इट बिकम येलो ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन एंड आयोडेट. अगर हम इसको एक्सपोजर एयर रखेंगे सबसे पहले तो ये हाइग्रोस्कोपी के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा. सेकेंड अगर इसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं भी किया तो बिकॉज स्लाइटली लिखा है यहाँ पे स्लाइट हाइग्रोस्कोपिक इट बिकम येलो. ये इसका कलर जो वाइट है वो येलो टर्न हो जाएगा क्योंकि इसमें से जो है आयोडीन और आयोडेट के ये क्या होता है सेपरेट हो जाता है. एफरवेसेंस भी इसमें से निकलते हैं. इट शुड बी स्टोर इन ड्राई एयर. इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट. दिस इज द स्टोरेज कंडीशन. आफ्टर दैट द यूज इज एक्सपेक्ट इट इट यूज एज अ स्पेक्ट्रेंट एजेंट बिकॉज वी स्टडी इट इन द एक्स इन द कम इन द एक्सपेक्ट्रेंट. सो इट इज यूज एज अ बेसिकली इट यूज एज एक्सपेक्ट्रेंट. इट्स क्वान्टिटी इज 0.3 ml. ऑफिशियली यूज ही इसका एक्सपेक्ट्रेंट है. सेकेंड जो यूज है उसका वो एंटीटसिव एंटी फंगल एंड इन आयोडीन डिफिशेंसी डिसऑर्डर्स एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन. अगर हम आयोडीन डिफिशेंसी की बात करें तो वो किस में होता है मेनली होता है थायरॉयड में होता है. क्या होता है कि जो टायरोसिन होता है उसमें आयोडीन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर्मेशन में. अगर आयोडीन नहीं टायरोसिन नहीं बनेगा तो T3 जो T4s होते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन उसका फॉर्मेशन नहीं होगा जिससे कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा. जो BMR है वो कम हो जाएगा. तो उस केस में जो है हम थायरॉयड हम आयोडीन जो है इंक्रीज़ करते हैं. जो थायरॉयड ट्यूम थायरॉयड होता है उसमें जो थायरॉयड ग्लैंड होता है उसका स्वेलअप हो जाता है. तो इट इज़ यूज एज सोर्स ऑफ आयोडीन इन द आयोडीन डिफिशेंसी. सो वट वी स्टडी टूडे वी स्टडी अबाउट द एक्सपेक्टोरेंट्स. एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं जो कि रिमूव करते हैं जो भी हमारा डस्ट होता है या जो पाथवे जो होता है रेस्पिरेटरी पाथवे अगर ब्लॉक हो जाता है तो रिमूव करते हैं वहाँ से जो भी कफ होता है उसको टुवर्ड द फेरिंग्स वहाँ से स्पेल आउट हो जाता है वो. एक्सपेक्टोरेंट उस पेशेंट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसमें कि उस पेशेंट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसमें कि जो जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है वो स्टिक हो जाता है वॉल्स ऑफ ट्रैकिया से. तो उस केस में हम जो एक्सपेक्टोरेंट का यूज़ करते हैं. उसके बाद हमने अमोनियम क्लोराइड पढ़ा जिसका फॉर्मूला NH4Cl है. उसकी दो प्रिपरेशन है बाइसोडियम क्लोराइड विथ अमोनियम सल्फेट एंड सेकेंड इज बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ द अमोनिया. सो उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखे हमने उसके यूजेस देखे. ऐसे हम किस प्रैक्टिकल क्लासेस की जो वीडियो है उसमें देखेंगे. पोटेशियम आयोडाइड का जो है उसमें हमने देखा प्रिपरेशन जो कि फेरस आयोडाइड विद द पोटेशियम कार्बोनेट और सेकेंड रिएक्शन जो थी वो हाइपोआयोडाइड एसिड विद द पोटेशियम बाइकार्बोनेट. उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स देखे. करेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि वो कलरलेस ऑडरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है. अगर हम उसको एक्सपोजर टू एयर रखेंगे तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और वो येलो भी टर्न हो जाएगा क्योंकि वहाँ से लिबरेशन होता है आयोडीन और आयोडेट का. सो देयरफॉर इट शुड बी स्टोर्ड इन एयरटाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट. उसका यूज़ हमने देखा एक्सपेक्टोरेंट है एंटीटसिव है एंटी फंगल है और आयोडीन डिफिशेंसी के डिसऑर्डर में भी यूज़ होता है. इससे पहली वीडियो में हमने जो है एंटी माइक्रोबियल कम्प्लीट कर चुके हैं. हम रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड कंट्रास्ट मीडिया इनऑर्गेनिक ऑफिसियल कंपाउंड्स और सल्फर एंड कंपाउंड लास्ट वीडियो में हमने एंटीडोट कवर करा है और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी. तो उन सब वीडियो के लिए प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन चेक द प्ले लिस्ट ऑल्सो. दैट्स इज एवरी थिंग इज अवेलेबल देयर फॉर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डी फार्म फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. सो गो देयर एंड चेक इट आउट. In next class, we will cover the inorganic and official compounds. So thank you for that today.